जेएनके की बेरोजगारी वो भी तेरी जिम्मेदारी, जेएनके की बेरोजगारी वो भी तेरी जिम्मेदारी। इंसाफ तो इंसाफ तो इंसाफ तो इंसाफ तो इंसाफ तो इंसाफ तो बीजेपी हाय हाय, 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 बीजेपी छोड़ा जी यहाँ स्टाफ नर्सेज हैं, टेक्नीशियंस हैं। आप सारी गवर्नमेंट बोलते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कार बेटी पढ़ाओ, चलो पढ़ भी लिया, बच भी गए हम, जॉब कौन देगा? आप सब इतनी हमें कहते हो जॉब देंगे, कौन दे रहा जॉब? जिनको लगी हुई है उनको भी आप टर्मिनेट कर रहे हो, एक्सटेंशन हमें दे नहीं रहे हो। बड़ी बड़ी बातें करते हैं ट्विटर्स पर, ये वो, सबको इंसेंटिव मिलेगा। किसको इंसेंटिव मिला? यहाँ जो कर रहे हैं काम उनको बिल्कुल इंसेंटिव नहीं मिला। हमें हम में से किसी को इंसेंटिव मिला? नहीं, बिल्कुल नहीं मिला। जब हमें फ्रंटलाइन वर्कर्स कहा जाता है, NHM वाले, परमानेंट स्टाफ नहीं आते, बाकी नहीं आते, हमें ये तब हमें यूज करते हैं, अब हमें थ्रो कर रहे हैं। हम ये पॉलिसी बिल्कुल नहीं चाहते। तो बेटियों को जॉब भी दो, एक्सटेंशन दो, हर जगह ये हो रहा है। हम भी करेंगे प्रोटेस्ट, हमें भी करना है। हम बस आपको बोलना चाहते हैं कि हमें एक्सटेंशन मिलनी चाहिए, हमारा इंसेंटिव हमारा हक है। जब हमने काम किया हमें एक्सटेंशन मिले, हमें इंसेंटिव मिले, जो हमारा हक है हम उसके लिए बोलेंगे और जरूर खड़े होंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटियों को रोजगार भी दो। अंदर GMC के अंदर ये कुछ मैं बच्चों को कहूँगा, ये बदकिस्मत बच्चे हैं। आज बड़े वाजिया तौर पर रियासत जम्मू कश्मीर में बेहूदे मजाक होते रहे हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं गवर्नर साहब से ये पूछना चाहता हूँ, गवर्नर साहब आखिर इन बच्चों का क्या कसूर है? ये किस किस सजा भुगत रहे हैं? आपने SRO 24 के लगाए हुए बच्चों को टर्मिनेट कर दिया। 9 महीने तक, 1 साल तक इन बच्चों ने दिन रात काम किया। जब इनको अप्रिशिएट करने की बारी आई है, इस बैरी अंधी और गुंगी सरकार ने इन बच्चों को टर्मिनेट कर दिया। खुदारा मैं इन बच्चों की तरफ से मैं कहना चाहता हूँ गवर्नर साहब और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को, सर हम जीना चाहते हैं, हम जीना चाहते हैं जनाब, हमें आप मारो नहीं, हमारे बच्चों की जिंदगियों को आप ख़त्म नहीं करो। मैं आपके मीडिया के वसादत से मैं बड़े पीसफुली तरीके से, क्योंकि आज एडवाइज़र साहब का दौरा जो था वो रजौरी के अंदर था, हमने SOPs को फॉलो रखते हुए इन बच्चों को कंट्रोल किया है। अगर मैं GMC के प्रिंसिपल के माध्यम से, GMC के जितने भी मुलाजमीन हैं मैं उनके माध्यम से, इन बच्चों की तरफ से सनम शाह वाजिया तौर पर यह मैसेज गवर्नर साहब को देना चाहता है कि इस बार हम उठेंगे नहीं। आखिरकार जो बच्चे दिन रात काम करते हैं आपने उनको इनकार दिया। मैं पूछना चाहता हूँ अरविंदर राणा जी, अगर आपने शादी की होती, अगर आपके बच्ची या बच्चे होते, आपको इन बच्चों का दर्द होता? मैं पूछना चाहता हूँ डॉक्टर जितेंद्र सिंह से, आपकी अगर बेटी आज इस प्रोटेस्ट में खड़ी होती तो आपको दर्द होता? मैं पूछना चाहता हूँ निर्मल सिंह साहब से, अगर आपकी बच्ची या आपका कोई बच्चा इस प्रोटेस्ट में होता तो आपको दर्द होता? मैं वाजिया तौर पर कहना चाहता हूँ रजौरी के अंदर जब भी मेरे नौजवानों के साथ भेदभाव होगा, सलम शाह इनके घेराव करेगा। वो ही वांट जस्टिस। जब हम यहाँ पे ड्यूटी देते थे तब यहाँ पे कोई नहीं आता था। हमने इतना कुछ फेस करा यहाँ पे, हमें यहाँ पे रूम्स तक नहीं मिलते थे। हम जहाँ से जाते थे लोग हमें दूर भागते थे कि ये लोग कोविड में ड्यूटियाँ दे रहे हैं, इनको भी कोविड पॉजिटिव होगा, ये हमें भी लेके जाएंगे। तब हमने इतनी मुश्किल से यहाँ पे 24 आवर्स ड्यूटी दी, अपनी जान को हथेली में लेके। और आज ये गवर्नमेंट हमारे साथ क्या कर रही है? इन्होंने एक्सटेंशन क्यों नहीं हमें करा? अगर ये बोलते थे कि हाँ 3 मंथ के लिए, इन्होंने तभी हमें निकाल देना था। इन्होंने हमारा यूज क्यों करा? ये बोलते बेरोजगारी कम करेंगे, जबकि बेरोजगारी ये मिली हुई है उनको भी निकाल रहे बेरोजगारी। इनके पास गवर्नमेंट के पास 16